की पुलिस और हमारे खान के रखा हुआ है bypassing necessary amendments in the Indian Constitution. The SC/ST Atrocity Act 2015 should be made more effective as government should ensure its implementation strongly. सहमत है आप लोग? बात समझ में आई मैंने क्या कहा? जो सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट पास किया है, सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट जो पास किया है, इस जजमेंट को भारत सरकार संसद में बिल ला करके संविधान में संशोधन करके और इस जजमेंट को सेट असाइड यानी खत्म करे, आप समझ गए? बिल्कुल खत्म करे। क्रिमिनल कंसेप्ट हमारे SC/ST के रिजर्वेशन में नहीं आ सकती, तो क्रिमिनल कंसेप्ट जो सुप्रीम कोर्ट ने अभी एडमिट की है उसमें भी सरकार क्रिमिनल कंसेप्ट को खत्म करने का काम करे। कमला देवी 90 वर्षीय हमारी आदरणीय, हमारे बीच आइए, मीडिया कर्मी चाहिए उनका जरा फोटो ले और दो दाद ताने से कमला देवी जी का सम्मान कहला। कमला देवी पहली सीट पे दे दो यार। अरे आप लोग यहाँ क्यों खड़े हो, ये बताओ क्यों खड़े हो आप लोग, थोड़े साइड में हो जाओ यार। जी जानबूझ कर डिस्टर्ब करते हो। जो पदोन्नति में आरक्षण खत्म किया गया है आपका, उसमें जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट दिया 27 साल 2012 और हाई कोर्ट का जजमेंट दिया 23 साल 2017 है, दोनों को पेश करके पदोन्नति में आरक्षण SC/ST का बहाल किया जाए। कुत्ता मर गया है, हिरन मर गया है, तो कानून है हमारी 134 आबादी के आरक्षण कानून नहीं बना। सरकार से मांग करते हैं हमारा आरक्षण कानून बनाया गया है। आज प्राइवेट सेक्टर में भी हमारे आरक्षण की बाबा साहब का दिया हुआ आरक्षण है, उसकी व्यवस्था की जाए। हाथ उठा रहे मीडिया कर्मी, लेकिन हाथ उठाते हैं सब लोग जुडिशरी हमारे साथ अन्याय कर रही है, जुडिशरी में हमारा आरक्षण ही नहीं है। तो हमारा कहना सरकार से प्राइवेट सेक्टर में, जुडिशरी में, आर्मी में और हायर एजुकेशन का रिजर्वेशन दिया जाए, दिया जाए, दिया जाए। जब बाबा साहब ने रिजर्वेशन लागू कराया था तो हमारी आबादी देश में 22% थी, आज हमारी आबादी 30% हो गई है। हमारा कहना है वर्तमान आबादी के हिसाब से हमारे आरक्षण को बहाल किया जाए, दिया जाए। हमारे लिए बाबा साहब एक व्यवस्था लेकर गए थे संविधान में, जब उन्हें पेश होगा हमारी आबादी के हिसाब से परसेंटेज हमारे डेवलपमेंट पर खर्च होगी। केंद्रीय मंत्री वित्त मंत्री जब बजट पेश करते हैं तो उसमें हमारे समाज के लिए करीब 2 लाख करोड़ रुपया हमारे समाज पे खर्च होना चाहिए और 2 लाख करोड़ रुपया राज्य सरकारों पे के बजट में बनता है, 4 लाख करोड़ रुपया हमारे समाज का हर साल खर्च होना चाहिए, इसमें 4 पैसा भी खर्च नहीं हो रहा है। हमारी मांग है इस पैसे से हमारे गरीब बच्चों के लिए तहसील के स्तर पर 1000 बच्चों का रेजिडेंशियल स्कूल नर्सरी से लेकर ग्रेजुएशन तक का बना दो, एक तहसील में 1000 बच्चे, एक जिले में 4000 बच्चे और 650 जिले में हमारे लाखों बच्चे जब पढ़कर निकलेंगे तो हमारी गरीबी अपने आप दूर हो जाएगी, अपने आप दूर हो जाएगी। देश में जो भी रोजगार पैदा हो रहे हैं उन रोजगारों में हमारी आबादी
पदार्थ प्रदान किए जाए जैसे कि अमेरिका में किया जाता है। हमारे बैकलॉग और शॉर्टफॉल की वैकेंसीज जो खाली पड़ी हैं, उन वैकेंसीज को तुरंत तत्काल बात से भर करके हमारे बैकलॉग को पूरा किया जाए। सहमत आप लोग? और देश में जो खाली पड़ी जमीन है, लास्ट मुद्दा है, देश में जो खाली पड़ी जमीन है उसको उपजाऊ बना करके हमारे समाज के लोगों में उसका वितरण किया जाए। सहमत है आप लोग? ये मेमोरेंडम भारत के राष्ट्रपति के नाम है, ये भारत के प्रधानमंत्री को कॉपी जा रही है। आप इसे अप्रूव करते हैं? जोरदार तालियों से, तालियों जोर।